रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। Looking sexy. Alana? Where are you? Hey, I found you. कोहली का है? वो बेचारी शौक में ऑब्वियसली अगर रोमांटिक फिल्म चलती हो और उसमें सडनली एक हॉरर सीन आ जाए तो कोई भी शौक हो जाएगा नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बॉडी पे ध्यान देना चाहिए? मेरा पूरा ध्यान बॉडी पे था। डेड बॉडीज यहाँ पर चार चार है, तीन मेल एक फीमेल, और चारों को एक ही रिवॉल्वर से शूट किया गया, वो भी देसी, और वो भी यहाँ नहीं कहीं और। तुम्हें कैसे पता? तुम मतलब तुमने बॉडीज नहीं देखी? देखो डेड बॉडीज के आसपास कोई ब्लड नहीं, ऑब्वियसली यहाँ लाके फेंकी गई। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें बॉडीज पे ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ? आई नो डिफिकल्ट है बट ट्राई। उनकी कोई आईडीज मिली? नहीं बॉस, कपड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला, पैरों पर जूते तक नहीं थे। लकली हवलदार आके ही एक बंदे को पहचानते हैं, लोकल है, चोरी चकारी में बहुत बार पकड़ा गया। चार चार लाशों को कोई कंधे पर तो यहाँ तक नहीं लाया होगा। जी बस, वो बच्चे रास्ते पर कुछ टायर मार्क्स मिले हैं, ऊपर जंगल की तरफ जाते हैं। तुम जाकर दीपक के बारे में पता करो, हम देखते हैं कि ये निशान कहाँ जाते हैं। अब हम? ओह, तुम उस बेचारी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते? बुरा लगेगा ना उसको। बट आई डोंट थिंक उसे तुम्हारी जरूरत है। भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। तुम्हें नहीं लगता कि बहुत स्ट्रेंज बात है कि ऐसे कांटेदार जंगल में वो लोग बिना जूते के घूम रहे थे? ऑब्वियसली उनके जूते उतारे गए मर्डर के बाद। बट वो मर्डर सिर्फ जूते क्यों उतारे गया? वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। चरस की खेती, ये लीगल है क्या? जी नमस्कार। पुलिस इंक्वायरी ले आए। जूते उतारिए। हमारा ये वेदांजलि आयुर्वेदिक संस्थान किसी मंदिर से कम नहीं है। हम केवल शुद्ध और प्राकृतिक जड़ी बूटियों से दवाएं बनाते हैं, और ये काम हम किसी लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि आम जनमानस की सेवा के लिए कर रहे हैं। जनता की सेवा सर्वोपरि है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जनता की सेवा जनार्दन की सेवा है। हत्या, किसी हत्या से हमारा क्या संबंध? मरने वाले का नाम दीपक कुमार था, वो आप ही के आश्रम में काम करता था। क्षमा कीजिएगा, हमारी संस्था में सैकड़ों लोग काम करते हैं, अब हर एक के बारे में जानकारी रखना तो बहुत ही कठिन काम है। दयानंद, तुम जानते हो दीपक कुमार को? जी, नाम से तो कुछ याद नहीं आ रहा, एक बार कार्यालय जाकर रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर नाम से याद नहीं है तो ये चेहरा देख लीजिए, हो सकता है ये पिक्चर देख के आपको कुछ याद आ जाए। हाँ हाँ, ये बच्चा तो यहीं काम करता था, कदाचित भंडार गृह में काम करता था, क्यों दयानंद? जी आचार्य। सुना है पहले कुछ अपराधियों की संगत में था,
परंतु यहाँ तो बड़ी निष्ठा के साथ काम कर रहा था। और क्या आप इन अपराधियों के बारे में कुछ जानते हैं? सिर्फ इतना कि वो लोग जंगल में अवैध रूप से चरस की खेती करते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। क्षमा कीजिएगा, हमें बहुत सारे काम हैं, हम चलते हैं। बॉस का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, मैं कोहली साहब को ट्राई करता हूँ। अरे कमाल है, कोहली साहब का भी फोन बंद आ रहा है। ये दोनों फोन स्विच ऑफ करके जंगल में क्या कर रहे होंगे? ना नहीं। हम यहाँ आए कैसे? हम जंगल में थे जब किसी ने हम पर शूट किया था, राइट? एग्जैक्टली, बट गोली का घाव तो दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी शर्ट ऊपर करो, शर्ट ऊपर करो। हाँ। और ऊपर। और बोलना बंद करो, मेरे बोलने में तो जीप थोप चला है। हाँ, वहाँ पे पेन हो रहा है। Is there something there? हाँ, एक रेड मार्क है और आसपास नील का डार्ट गन। उन्होंने डार्ट गन से हमें शूट किया था। एक्चुअली मेरे पीठ में भी दर्द हो रहा है, एक मैं मेरी शर्ट उठा के देखो। यू मैड? ऑब्वियसली तुम्हें भी डार्ट गन से ही शूट किया होगा ना। गेट अप। देखो, अब हम वहां से निकले कैसे? बाप बन के इसे पुश करके वहां तक लेके चलो। ओके, रुको, दोनों ड्राइवर थे। कुछ फायदा नहीं है, एक एक हाथ से करना पड़ेगा। ओके, मैं पीछे से करती हूँ, तुम आगे से करो। मैं अलमारी को पुश करने की बात कर रही हूँ। हाँ, अलमारी। पहुंच गए। पहुंच गए। अलमारी पहुंच गई। एक्चुअली मुझे ना हाइट से डर लगता है। आई कांट ट्रैक देयर फोन्स, आउट ऑफ नेटवर्क एरिया बता रहा है। और उनके मोबाइल का लास्ट लोकेशन क्या दिखा रहा है? जंगल। हाँ जी भाई साहब, कौन हो आप लोग? हाँ, पर हमारी प्रॉपर्टी में क्या करने आए थे? हम पुलिस वाले हैं, और ऐसे पुलिस वालों को बांध के रखने की सजा क्या हो सकती है, तुम्हें पता है? और ये तो हमारे को पता ही नहीं था।
ये कार्ड तो हमने देखा ही नहीं था। वो तो हमारी सिक्योरिटी ने आप लोगों को देख लिया, उन्होंने सोचा चोर है तो आपको गोली मार दी। अब इस बात की क्या सजा होगी, आप ही बताओ भाई साहब। तो मतलब उन चारों को भी तुमने इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी में घुस आए? और चोर उचक्कों को मारना होता ना तो यहाँ लाशों के ढेर लग जाते। और वैसे आप लोग भी तो जिंदा हो ना। तो वो चरस की इलीगल खेत तुम्हारे है। ये बहुत गलत कर दी मैडम जी आपने। खेती चाहे किसी भी चीज की हो, चरस की, गन्ने के खेत की या गेहूं की, खेती तो खेती ही होती है। अरे भाइयों, अब तो इन लोगों को मिनिस्टर साहब से बात करा के ही जाने देंगे। बांध दो इन लोगों को। हाँ रुक जाओ, ये गलत है। ये गलत है? नहीं, मेरा मतलब कि अगर आप लोग बांध ही रहे हैं, हमें सीधा बांध दीजिए ना, क्योंकि ताकि हम बात कर सके। अरे बांध दो, आमने सामने बांध दो इनको, क्या फर्क पड़ता है हमारे को। कमीने इंसान है। वो क्या ना, अपना लाइफ में एक ही फंडा है, if you can't avoid it, enjoy it. एक बात बताओ। पास। अगर तुमने इस सिचुएशन में मेरे साथ कोई गड़बड़ की ना, तो पता है मैं क्या करूंगी? क्या करोगी? याद रखना, मेरे दांत ना बहुत तेज है। अरे हम आपसे कह रहे हैं, वो लोग वहां जंगल में मंगल कर रहे होंगे, गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे, अय्याशी कर रहे होंगे। उनका मोबाइल 4 घंटे से ऑफ है। इतनी देर के लिए तो लोग हनीमून पे अपना मोबाइल ऑफ नहीं रखते। कैन वी गेट सीरियस? सर, कहने का मतलब ये है कि वो लोग डेफिनेटली किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे होंगे, क्योंकि आज से पहले उनका फोन इतने टाइम तक स्विच ऑफ नहीं रहा है। What are you doing? आई खुजा रहा हूं, खुजली हो रही है। स्टूपिड, वो मेरा पांव है। हां, तो मैं अपना पांव नहीं खुजा पा रहा हूं ना। यू स्क्रैच माय पांव, आई स्क्रैच योर पांव। यू नो, मेरे नाखून ना मेरे दांतों से ज्यादा तेज। तुम कोई भी बात प्यार से नहीं कर सकती हो क्या? ये प्यार जैसा वर्ड ना इस मुंह पर सूट नहीं करता। प्यार का मतलब भी पता है तुमको? नहीं नहीं, प्यार में तो पीएचडी आपने की है ना, विक्की मल्होत्रा के साथ। बहुत किस्से सुने आपके। मुझे नहीं लगता तुमने कभी किसी से प्यार किया है, सच्चा प्यार। सच्चा प्यार किया है कभी किसी से? एक लड़की है, बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट, जिंदगी है वो मेरी, 7 साल की है, मेरी बेटी, परिया उसका नाम। तुम्हारी बेटी भी है? कहाँ है वो? नहीं जाओ, उसे नहीं होना चाहिए। प्लीज यार, अभी लेक्चर मत दे, अभी अभी परी ये बहुत लंबा लेक्चर देके गई है। मैं बाद में फोन करूँगा। परी, परी, I'm sorry यार परी। किसने कहा था पुलिस को बुलाने के लिए? लेकिन बस किडनैपर्स को पैसा दे देते, बात खत्म, मामला बढ़ा देगी पुलिस। बोलना मत। केशव खत्री, इंस्पेक्टर सुधीर कोहली, आपकी बेटी किडनैप हो गई। ये किडनैपिंग पैसों के लिए नहीं हुई है, ये बलून मैन का काम है। बलून मैन? हमारे पुलिस रिकॉर्ड्स में उसे इसी नाम से बुलाते हैं। पिछले 6 साल से वो हर साल एक 7-8 साल की बच्ची को किडनैप करता है, और अगली किडनैपिंग के हर 2-3 दिन बाद पिछली बच्ची की लाश मिलती है। आपकी बेटी को बचाने के लिए हमारे पास 12 महीने, या फिर ये कहो कि 11 महीने और 28। कोहली, कोहली, बस ज्यादा मत नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। आई नो, बट हम बंधे हुए हैं। ओह, एक्चुअली मैं इस पोजीशन के बारे में तो भूल ही गया था, लेट भी सकते हैं। इसे तो पूरा दिन निकल जाएगा वहां पहुंचने में। मेरे पास एक आईडिया है, इफ यू डोंट माइंड। व्हाट? अपना सर नीचे करो मेरे पास। हाँ,
सर लाओ सामने। मेरा नहीं, योर शॉट। ये ऐसे नहीं टूटेगी। सेफ्टी पिन चाहिए। सेफ्टी पिन दो। व्हाट? मेरे पास सेफ्टी पिन कहाँ है? हाँ? गेट अप, गेट अप, गेट अप। व्हाट आर यू डू? एक सेकंड। अगर तुम सेफ्टी पिन से हथकड़ी खोल सकते थे तो पहले क्यों नहीं बताया? तो फिर हमें इतना मजा नहीं आता। एक और बॉडी की शनाख्त हो गई है। अश्विनी राणा, कॉप था, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक मामूली चोर उच्च के साथ ये जंगल में क्या कर रहा था। हम बताते हैं चीफ, ये सारा चरस की खेती का चक्कर है। वहां का जो रणछोड़ सिंह है ना, वो बहुत बड़ा चरस माफिया चलाता है और हमको लगता है उन चारों को भी उसी ने मरवाया होगा। साक्षी और उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, उन दोनों का भी कोनो अता पता नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं अगर ठाकुर से पंगा लिए होंगे ना तो उन चारों की तरह जंगल में पड़े होंगे कहीं पे, समझ रहे ना आप? क्या पांडे जी, आपका कैलकुलेशन हमेशा गलत रहता है। आगे कहाँ थे तुम दोनों? तुम्हारा फोन भी ऑफ था। हम ठाकुर की कैद में थे। देखा, हम कहे थे ना। पर उसका उन चारों के मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है। होता तो हम भी जिंदा नहीं बचते। पर जंगलों में उसने बड़े स्केल पर चरस की खेती कर रखी है जो ऑब्वियसली इलीगल है। मैं जानता हूँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे एरिया के बाहर है एमएल प्लस। लेकिन हम दो पुलिस ऑफिसर्स को किडनैप करने और उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करने के लिए हम कुछ तो एक्शन ले सकते हैं। पांडे जी हमारे लिए काम कर सकते हैं ना? इज राइट पांडे, एक काम करो, जल्दी ठाकुर के खिलाफ वारंट तैयार करो, जल्दी। जी करते हैं। यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, या
Yeah, you can do it, man. What are you doing? पैसे काटा निकाल रही Yes. एकदम अंदर घुसा था But जूते के अंदर काटा कैसे घुस गया वो जूते उतारे हुए थे ना हम दोनों ने वेदांजलि आश्रम में I know your motives, Gandhi. हत्या हमारे आश्रम में आप लोगों को अवश्य कोई भ्रम हुआ है आचार्य जी जो सच है वो तो अभी पता चल जाएगा जब आपको जूते पड़ेंगे मतलब हमें जूते मिलेंगे I'm sure अगर हम ये आपकी शू रैक चेक करेंगे तो हमें उन चारों के जूते यही मिलेंगे और ये प्रूफ करने के लिए काफी है कि वो लोग यहाँ से जिंदा नहीं गए थे हमारे आश्रम में सुरक्षा अधिकारियों के अतिरिक्त और कोई हथियार लेकर आ ही नहीं सकता परंतु मैं लाया हूँ हथियार ये सब क्या है दयानंद आचार्य जी ये आपकी निजी सुरक्षा के लिए है आपको पता है विदेशी कंपनी आपकी जान की दुश्मन बनी हुई है मुझे यकीन है कि इन्हीं में से किसी हथियार ने उन चारों की जान ली है बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये कंफर्म हो जाएगा वैसे मेरे पास कोई गन नहीं लेकिन मेरे साथी के पास जो गन्स हैं वो असली हैं तो आई सजेस्ट आप लोग अपनी गन्स हमें दे दें हम अपनी गन नहीं देंगे क्योंकि बुलेट्स मैच हो जाएंगे राइट और एक बार बुलेट मैच हो गई तो तुम गए 80 साल के लिए अंदर और ये आचार्य वेदनाथ जिनके कहने पर उन लोगों को मारा गया मुक्त विचरण करते रहेंगे हमने किसी की हत्या का आदेश नहीं दिया वैसे एक थ्योरी है हमारे पास आप अपने इस आयुर्वेदिक संस्था में लीगली चरस की खेती करते हैं लेकिन वो चरस इलीगली मार्केट में ऊंचे दामों पर बेची जा रही है दीपक को इसके बारे में पता चल गया था उसने नारकोटिक्स के ऑफिसर को ये बताने के लिए यहाँ बुलाया लेकिन दोनों पकड़े गए मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उन दोनों को क्यों मारा वो सब गलत टाइम पर यहाँ आ गए थे मैडम जो कुछ भी आपने कहा वो सब सच है लेकिन दीपक और दूसरे लोगों को मारने के लिए आचार्य ने नहीं दयानंद जी ने कहा था बैठा दो अंदर वैसे तुम्हें इस केस में मजा है You know, मैंने पुलिस फोर्स मजे के लिए ज्वाइन नहीं की थी पढ़ा इस केस में मजा आया हेलो यस साक्षी रंजन स्पीकिंग कहाँ पे तुम क्या जानते हो सुधीर कोहली के बारे में पुलिस पुलिस वाले नहीं